नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है अब तक की पंजाब की खास खबरें। अबोहर से सोनू सिहाग की रिपोर्ट के अनुसार पड़ोसी राज्य पंजाब के अबोहर शहर में विदेशों से आए 76 लोगों के स्वास्थ्य की जांच की जा चुकी है। जांच में किसी की भी कोरोना वायरस पॉजिटिव की पुष्टि नहीं हुई है। विदेश से आए नागरिकों को आइसोलेशन में रखा गया है। जानकारी के अनुसार विदेश से आने वाले अधिकांश नागरिक स्वयं ही चिकित्सालय पहुँचे और स्वास्थ्य की जाँच करवाई। पंजाब की फाजिलका सब जेल में भी कोरोना वायरस से बचाव के लिए एहतियात के तौर पर कई कदम उठाए हैं। जेल प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार अनेक कैदियों को फरीदकोट जेल में शिफ्ट किया गया है। इसके अलावा मुलाकात पर भी पाबंदी लगा दी गई है, साथ ही नए आने वाले कैदियों के लिए अलग आइसोलेशन बैरक का प्रबंध किया गया है। दीवार गिरने से 12 साल की एक किशोरी घायल हो गई। हादसा पंजाब के अबोहर शहर के निकटवर्ती गाँव चूड़ीवाला थन्ना में हुआ। घायल किशोरी दामिनी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। किशोरी के पिता महावीर ने बताया कि दीवार कच्ची थी और दामिनी उसके पास खड़ी थी, दीवार गिर गई जिससे वह घायल हो गई। फिरोजपुर जिले में प्रशासन द्वारा कोरोना वायरस से प्रभावित संदिग्ध मरीजों के घरों के बाहर विशेष प्रकार के स्टिकर लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। यह कदम वायरस से बचाव के लिए उठाए गए हैं। फिरोजपुर के डिप्टी कमिश्नर कुलवंत सिंह ने बताया कि प्रशासन द्वारा संदिग्ध मरीजों के घरों के बाहर स्टिकर लगाए जाएंगे, जिन पर उनका नाम, गांव का नाम, इलाज करने वाले डॉक्टर का नाम अंकित होगा। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए पंजाब में लॉकडाउन है। इसके कारण कई लोगों जो प्रतिदिन कमाकर खाते हैं उनके प्रति सरकार चिंतित है। पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि ऐसे लोगों की मदद देने के लिए राज्य के सभी IAS एक दिन के वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में देंगे। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लोगों से अपील करते हुए कहा, आप बीमारी को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इस अवधि में सभी वाणिज्यिक प्रतिष्ठान और दुकानें बंद रहेंगी। आवश्यक वस्तुओं जैसे भोजन, किराने, दवाइयां आदि के सभी स्वास्थ्य सेवाएं जैसे पानी की आपूर्ति, स्वच्छता और बिजली को बनाए रखा जाएगा। पहले से लागू सार्वजनिक परिवहन पर प्रतिबंध 31 मार्च तक जारी रहेगा। शादी का झांसा देकर नाबालिका से दुष्कर्म करने के मामले में पंजाब की फरीदकोट पुलिस ने 2 युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस को दी रिपोर्ट में पीड़ित नाबालिका की मां ने बताया कि एक युवक ने उसकी पुत्री को शादी का झांसा दिया। आरोप है कि उक्त युवक ने उसकी पुत्री के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने बताया कि पीड़िता की मां की रिपोर्ट के आधार पर 2 युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पंजाब के जलालाबाद शहर के निकटवर्ती गाँव तारेवाला में गुरुहर सहाय क्षेत्र में दुल्हा कनाडा से आए भाई व 50-60 अन्य लोगों के साथ पहुँच गया, जिससे गांव में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और कनाडा से आए व्यक्ति के स्वास्थ्य की जांच करवाई। वहीं बारात में शामिल लोगों को भी हिदायत दी कि वे भीड़ एकत्रित ना करें। पंजाब सरकार ने दावा किया है कि पंजाब देश का ऐसा पहला राज्य है जिसमें स्वाइन फीवर वैक्सीन बनाई गई है। पशु चिकित्सा वैक्सीन संस्थान लुधियाना के उक्त वैक्सीन बनाई गई है। संक्रामक रोगों से पशुधन की रक्षा के लिए चिकित्सा वैक्सीन संस्थान को 32 करोड़ रुपए की लागत से अपग्रेड किया गया है। इसके अलावा फाजिलका जिले के गांव सप्पा वाली में 62 करोड़ की लागत से रिसर्च सेंटर खोला जाएगा। पंजाब में कोरोना वायरस के बचाव के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। विदेशों से आने वाले लोगों के स्वास्थ्य की जांच की जा रही है। पंजाब के मोगा शहर में ऑस्ट्रेलिया से आई एक महिला के स्वास्थ्य की जाँच करवाई गयी है। जानकारी के अनुसार उक्त महिला कार में सवार होकर जा रही थी कि जीरा रोड पर पुलिस ने उसे रोका और पूछताछ की। इसके बाद मौके पर ही एम्बुलेंस को बुलाया और फिर महिला को अस्पताल भिजवाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसके स्वास्थ्य की जांच की। पंजाब के जलालाबाद क्षेत्र में भी कोरोना वायरस से बचाव के लिए एहतियात के तौर पर प्रशासन द्वारा हर कदम उठाए जा रहे हैं। विदेशों से आने वाले नागरिकों पर भी नजर रखी जा रही है। जानकारी के अनुसार अब तक 2 महिलाओं सहित 8 विदेशी नागरिक जलालाबाद क्षेत्र में आए, जिनके स्वास्थ्य की जाँच करवाई जा चुकी है। फिलहाल क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति कोरोना रोग से पीड़ित नहीं पाया गया। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।